www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالی ہی کے نام کی برکت حاصل کرتے ہوئے میں پڑھتا ہوں جن کی رحمت سب کے لیے ہیں جو بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں پھر جو پتھر یا پتھریلی زمین پر اپنی ٹاپ مار کر چنگاریاں اڑاتے ہیں پھر جو صبح سویرے دشمن پر چھاپا مارتے ہیں دشمن پر حملہ کرتے ہیں دشمن پر یلغار کرتے ہیں تو وہ اس وقت غبار اڑاتے ہیں پھر وہ اس وقت دشمنوں کے جمگٹے کے بیچ میں گز جاتے ہیں. بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے اور بے شک وہ انسان اپنی ناشکری کے اوپر خود گواہ بھی ہے. یقیناً اس انسان کو اپنی اس ناشکری کی خبر ہے ہی. یقیناً اس رب کو انسان کی ناشکری کی پوری خبر ہے. یہ تینوں ترجمے ہو سکتے ہیں. اور یقیناً وہ انسان مال کی محبت اور چاہت میں بہت پکا ہے. کیا بھلا اس انسان کو وقت معلوم نہیں جب وہ مردے جو قبروں میں ہیں ان کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اور سینوں میں جو کچھ چھپا ہے اس کو ظاہر کر دیا جائے گا. یقیناً ان کے رب اس دن ان کی اس حالت سے پوری خبر رکھتے ہوں گے. اس سورت کا نام سورۃ العادیات ہے. یہ ہجرت سے پہلے اتاری گئی. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی. اس سورت کے اندر 11 آیتیں ہیں. سورۃ العصر کے بعد سورہ کوثر سے پہلے 14 نمبر پر نازل ہوئی ہے. سورت کی پہلی ہی آیت میں عادیات کی قسم کھائی گئی ہے اور زیادہ تر مفسرین نے عادیات سے گھوڑوں کو مراد لیا ہے اور بعض حضرات نے اس سے اونٹنیوں کو مراد لیا ہے جو اللہ کی راہ میں چلے اچھے کاموں کے لیے استعمال ہوئے.
ऐसे घोड़े, ऐसी ऊँटनियाँ, अल्लाह ताला ने उनकी अलग अलग अदाओं की, उनकी अलग अलग हालतों की कुरान की इस सूरत के अंदर कसम खाई है। जो ये और ख़ास तौर पर आगे चल कर के एक अहम मज़मून अल्लाह की तरफ से बयान किया गया, बहुत ध्यान से समझने की ये सूरत है। सबसे पहली बात समझो कि अल्लाह ताला ने घोड़ों की कसम खाई। क्या बात? घोड़ों की कसम खाने की। तो समझो कि अरब लोग घोड़े बहुत पालते थे, ऊँटनियाँ भी पालते थे, ऊँट भी पालते थे। पुराने जमाने के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सबसे ज्यादा फास्ट अगर कोई गाड़ी थी तो वो घोड़े थे। उसके अलावा ऊँट भी इस्तेमाल होते थे, गधे भी इस्तेमाल होते थे, खच्चर भी इस्तेमाल होते थे, और बाज लोग हाथी भी इस्तेमाल करते थे। लेकिन सबसे फास्ट अगर सफर की कोई चीज थी तो वो घोड़े थे। और ये घोड़े जो है, अजीब अल्लाह ताला की नेमत है। आज दुनिया इतनी मॉडर्न हो गई, इतनी आगे बढ़ गई, फिर भी आज के ज़माने के अंदर घोड़ों की इतनी ही कीमत है, इतनी ही वैल्यू है। आज भी दुनिया की तकरीबन हर मुल्क और कंट्री और देश की आर्मी में, लश्कर में घोड़े इस्तेमाल होते हैं, और पुलिस वाले भी घोड़े इस्तेमाल करते हैं। जिन गलियों में, कूचियों में, पहाड़ों पर, जंगली इलाकों में कोई तरह की गाड़ी नहीं जा सकती, वहाँ पर घोड़े पर बैठकर पुलिस, सिपाही, आर्मी वाले जाते हैं। ये घोड़े के अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी खूबी रखी हुई है। घोड़ा पालना अच्छी नीयत से सवाब है, उसको चारा दाना खिलाना ये सवाब है, बड़ी फजीलत है घोड़ा पालने के अंदर। लेकिन अब लोगों ने घोड़े से न करने के काम लेने शुरू कर दिए, जैसे कि घोड़े के ऊपर बैठ के दूल्हे की बारात निकालते हैं, घोड़े के ऊपर बैठ करके जुलूस निकालते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए थोड़ा ही है घोड़ा। घोड़ा तो जो है उस पर बैठ करके आदमी सफ़र करे। खैर, तो घोड़ा बड़ा वफादार जानवर है, अजीब वफादारी अल्लाह ने घोड़े में रखी है। घोड़ा उसका जो मालिक होता है वो उसको घास देता है, चारा देता है, दाना देता है, पानी पिलाता है। हालांकि ये घास, चारा, दाना इंसान ने खुद नहीं पैदा किया, वो पैदा भी किया अल्लाह ताला ने। घोड़े का जो मालिक होता है वो तो अल्लाह का पैदा किया हुआ घास दाना लाकर घोड़े को खिलाता है। घोड़े का मालिक अल्लाह का पैदा किया हुआ पानी लाकर के घोड़े को पिलाता है। गोया कि ये तो सिर्फ वास्ता बनता है, बीच के अंदर जो है वाया बनता है। अब ये घोड़े को जिस मालिक ने दाना खिलाया, चारा खिलाया, घास खिलाया, पानी पिलाया, तो ये घोड़ा कितना वफादार हो जाता है कि उस मालिक के लिए घोड़ा जान देने के लिए तैयार हो जाता है। जब इसका मालिक घोड़े के ऊपर बैठकर लड़ाई में जाता है, जंग में जाता है, वॉर में जाता है, तो घोड़ा अपनी जान को जोखम में डाल करके घुस जाता है। हालांकि घोड़े की और सामने जो दुश्मन है उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, असल तो इंसानों में दुश्मनी है। लेकिन ये घोड़ा अपने ऊपर बैठने वाले मालिक का इतना वफादार कि अपने मालिक के लिए अपनी जान जोखम में डालकर सामने वाले के लश्कर के अंदर घुस जाता है।
तो ये इंसान के लिए बहुत बड़ी नसीहत है, बहुत बड़ा सबक है कि इंसान तू एक घोड़े को देख करके समझ, एक घोड़े को देख करके सीख कि जिस घोड़े को उसका मालिक घास चारा दाना पानी देता है, हालांकि वो तो सिर्फ एक जरिया बनता है, असल तो अल्लाह देते हैं, फिर भी अपने घोड़ा अपने मालिक का इतना वफादार कि वो अपने मालिक के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला जो इस इंसान को किस्म किस्म की नेमत देते हैं, हर तरह का खाना पीना देते हैं, लेकिन ये इंसान अपने मालिक के लिए अल्लाह के लिए नाफरमान है, अपने अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं करता, अपने अल्लाह की बात नहीं मानता। तो ये सबसे पहला लेसन है कि इंसान तू घोड़े को देख करके सीख, तू भी अल्लाह ताला का वफादार बन जा। कुरान में अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वफादारी की तारीफ की, वह इब्राहिम अल्लदी वफ़ा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से जो वादा किया था तमाम वादा पूरा करके दिखला दिया। कैसी वफादारी करके दिखलाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। अल्लाह ने कहा इब्राहिम आग में कूद जाओ, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में कूद गए। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम अपने बेटे को काट डालो, तो अपने बेटे को लेके जंगल में गए और कुर्बानी की तैयारी कर डाली। कैसी वफादारी। तो अल्लाह ताला घोड़े के जरिए हमको लेसन देते हैं कि इंसानों तुम भी अल्लाह के वफादार बन जाओ। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात समझो, घोड़ा जो है ताकत की निशानी है, सिंबल ऑफ जो है एनर्जी ताकत, उसका ये निशान है। इसीलिए आज भी आपने सुना होगा कोई मोटर खरीदो, कोई मशीन खरीदो, कोई इंजन खरीदो, तो लोग उस पर लिखा होता है ये इतने हॉर्स पावर का है। कभी आपने सोचा कि ये मोटर इंजन वगैरह के ऊपर ये हॉर्स पावर लिखा होता है, ये क्या चीज। हॉर्स तो अंग्रेजी में घोड़े को कहते हैं, यही हॉर्स पावर यानी घोड़े वाला पावर। तो आज के जमाने के अंदर भी मशीन इंजन वगैरह के लिए हॉर्स पावर कहा जाता है, ये ताकत की एक निशानी है। गोया अल्लाह ताला ने घोड़े को बड़ा ताकत वाला जानवर बनाया है। लेकिन खुदा की कुदरत देखो, खुदा ताला की शान देखो कि इतना ताकत वाला घोड़ा, लेकिन अल्लाह ने इस घोड़े को इंसान की खिदमत के लिए लगा दिया, इंसान के ताबे बना दिया, इंसान के काबू में कर दिया। इसीलिए तो हम सवारी पर बैठते तो क्या पढ़ते हैं, सुभानल्लज़ी सख़्खरा लना हाज़ा, अल्लाह ताला ने इस सवारी को हमारे काबू में कर दिया, हमारे कंट्रोल में कर दिया। तो ये घोड़े को भी अल्लाह ताला ने हमारे ताबे बना दिया, हमारे कंट्रोल में कर दिया, इतना ताकत वाला बड़ा मजबूत घोड़ा। लेकिन एक छोटा सा बच्चा भी उसके ऊपर बैठ जाता है, उसके मुंह में लगाम डालता है और उसको लेकर के इधर उधर चला जाता है। तो ये अल्लाह की जो है मेहरबानी देखो, अल्लाह की नेमत देखो कि इतना मजबूत जो है घोड़ा, लेकिन वो इंसान के लिए अल्लाह ने उसको कंट्रोल में कर दिया और इंसान उससे फायदा उठाता है। अरब लोग में लड़ाई झगड़े बहुत थे, क्योंकि वहां खानदानी निजाम था, फैमिली सिस्टम की जिंदगी थी, कोई एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी, फैमिली सिस्टम की जो है जिंदगी थी। लिहाजा एक फैमिली दूसरी फैमिली पर, एक खानदान दूसरे खानदान पर अटैक और हमले करते ही रहते थे, लड़ाइयां करते ही रहते थे। इसीलिए वो घोड़े पालते थे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिजा और चमत्कार समझो कि जो अरब लोग हर वक्त लड़ने झगड़ने वाले, अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से आपस में उनके दरमियान कैसी मोहब्बत करा दी, कैसा जोड़ करा दिया। उसी को कुरान में फरमाया, लौ अनफक्त मा फिल अर्दि जमीअन मा अल्लफ्त बैन कुलूबिहिम वलाकिन अल्लाह अल्लफ बैनहुम
कि ये लोग ऐसे लड़ते झगड़ते थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे, लेकिन कि पूरी जमीन की दौलत लगा दो, पूरी जमीन का पैसा सोना चांदी खर्च कर दो तो भी ये लोग एक हो सके ऐसा नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला ने इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से, कुरान के जरिए, ईमान और इस्लाम के जरिए उनके अंदर आपस में जोड़ और मोहब्बत करा दी। अब ये घोड़े, उनकी अलग अलग एक्टिंग, उनकी अलग अलग हालत, उनकी अलग अलग अदाओं की अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर कसम खाई। यहाँ बहुत गौर करने की बात है कि जो घोड़े अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल होवे, अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल होवे, अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए, दीन को फैलाने के लिए इस्तेमाल होवे, जो घोड़ा काम में आवे, जो घोड़ा फायदे में आवे, ऐसे घोड़ों की अलग अलग अदाओं की अल्लाह ने कसम खाई। तो एक घोड़े जैसा जानवर लेकिन अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल हुआ, एक घोड़े जैसा जानवर लेकिन इंसानों की जरूरत के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, फायदे के लिए, माल सामान इधर उधर ले जाने के लिए, सवार को, ऊपर बैठने वाले को इधर उधर ले जाने के लिए इस्तेमाल हुआ तो कितना कीमती बन गया कि अल्लाह ने उसकी अलग अलग अदाओं की कसम खाई। अब ये घोड़े जब चलते हैं और फिर दौड़ते हैं तो वो हांफ जाते हैं और उसके सीने के अंदर से आवाज निकलती है। जैसे इंसान भी दौड़ता है तो हांफता है और दिल के अंदर से, सीने में से आवाज निकलती है, तो ये घोड़े भी हांफने लगते हैं दौड़ दौड़ करके। तो अल्लाह ताला ने उनकी जो हांफने की, सांस चलने की, दौड़ते वक्त सीने के अंदर से जो आवाज निकलती है उसकी कसम खाई। सुभान अल्लाह, अल्लाह के नाम के ऊपर चलने वाला कितना प्यारा कि अंदर से जो एक आवाज निकलती है तेज दौड़ने की वजह से, सांस की, हांफ की, अल्लाह ने पहली आयत में उसकी कसम खाई। नंबर दो, दूसरी आयत के अंदर ये फरमाया कि जब ये घोड़े दौड़ते हैं तो आपने देखा होगा कि घोड़े के मालिक लोग घोड़े के पैर में जो खुर होती है उसके नीचे लोहे की, लोखंड की नाल लगवाते हैं। अपनी यहाँ नालबंद फैमिली मशहूर है, ये लोग घोड़े और दूसरे जानवरों के पैर के नीचे नाल लगाने का काम करते हैं, लोखंड की नाल लगाते हैं। अब ये लोहे की नाल होती है, लोखंड की नाल होती है और घोड़ा दौड़ता है तो दौड़ते वक्त पर वो घोड़े का पैर तो जमीन पे नहीं लगेगा, वो नाल लगेगी, नाल जो पैर के नीचे है वो, और जमीन पर पत्थर है तो पत्थर के ऊपर जब घोड़े की नाल लगेगी और घोड़ा कंटिन्यू दौड़ेगा, लगातार दौड़ेगा, तो उसकी वजह से वो लोहा जो नाल में है वो गर्म हो जाएगा और गर्म हो जाएगा तो उसमें से आग की चिंगारी उड़ती है। तो जब घोड़ा लगातार कंटिन्यू मुसलसल दौड़ता है और घोड़े के पैर के नीचे की नाल गर्म गर्म हो जाती है तो अंदर से चिंगारियां उड़ती है। अल्लाह ने उन चिंगारियों को कुरान में बयान फरमाया। तीसरी आयत में फरमाया फल मुगीराति सुबहा, वो सुबह सुबह के वक्त पर दुश्मन के ऊपर हमला करते हैं। अरब के लोग बड़े बहादुर लोग थे, वो रात के अंधेरे में छुप करके हमला करना, अटैक करना बहादुरी के खिलाफ समझते थे, धोखा देके हमला करना बहादुरी के खिलाफ समझते थे। वो तो सुबह सवेरे उजाले में, रोशनी में हमला करते थे और इसको हिम्मत वाली बात समझी जाती है। इसलिए फरमाया कि फल मुगीराति सुबहा, जो सुबह सवेरे दुश्मन के ऊपर हमला करते हैं तो जब ये हमला करने के लिए जाते हैं तो फवासत नबी ही जमा, अपनी जान को जोखम में डाल करके दुश्मनों की सफों के दरमियान में, दुश्मनों के लश्कर के दरमियान में वो घुस जाते हैं। अब देखो, पुराने जमाने में कच्चे रास्ते थे, पक्के रास्ते नहीं थे। आज भी जहाँ कच्चे रास्ते वहाँ जाकर के देखो तो धूल उड़ती है, मिट्टी उड़ती है, गुबार उड़ती है,
लेकिन ये धूल और मिट्टी और गुबार सुबह सुबह नहीं उड़ती। क्यों? इसलिए कि सुबह के अंदर मिट्टी जमी होती है, रात के अंदर शबनम पड़ती है, झांकड़ पड़ती है, उसकी वजह से मिट्टी जम जाती है, इसलिए सुबह में मिट्टी नहीं उड़ती। 8-9 बजे गर्मी के अंदर वो मिट्टी सूख जावे, फिर उसके ऊपर कोई गाड़ी जावे, जानवर जावे, इंसान दौड़े, तो गर्दो गुबार और मिट्टी उड़ती है। लेकिन यहाँ पर ये बात कही गई कि वो घोड़े इतने तेज दौड़ते हैं कि सुबह का वक्त जो मिट्टी उड़ने का वक्त नहीं है, वो ठंडक का माहौल है, लेकिन वो घोड़े ऐसे दौड़ते हैं कि उसकी वजह से मिट्टी उड़ना शुरू हो जाती है और मिट्टी हवा के अंदर उड़ने लगती है और पूरा माहौल समा मिट्टी मिट्टी से भर जाता है, किसी को कोई चीज दिखती नहीं है। ये 5 आयतों के अंदर घोड़ों की अलग अलग हालतों की अल्लाह ताला ने जो है कसम खाई। तो ये अल्लाह के दीन की निस्बत पर और इंसानों की जरूरियात की तकमील के ऊपर ये घोड़ों की कीमत बढ़ गई और अल्लाह ने उनकी अलग अलग हालत को बयान फरमाया। आगे फरमाया ये कसम खा करके जो असल चीज समझने की है कि इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, यकीनन इंसान अपने रब का बहुत बड़ा नाशुकरा है। देखो एक बुजुर्ग आए थे हमारे यहाँ, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले के बुजुर्ग थे, उन्होंने ये आयत सुना करके कहा कि इस आयत में अल्लाह ताला बंदों की शिकायत कर रहे हैं, बंदों की फरियाद कर रहे हैं। अल्लाह वालों को कहने का एक अच्छी अंदाज होता है कि देखो अल्लाह अपने बंदों की शिकायत कर रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं कि इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, यकीनन इंसान अपने रब का बड़ा नाशुकरा है। कैसे नाशुकरा? कनूद किसको कहते हैं? जो नेमत को देखता रेवे लेकिन नेमत देने वाले अल्लाह को नहीं देखता। जो नेमत को देखता रेवे लेकिन नेमत देने वाले अल्लाह को नहीं देखता। आज हमारा हाल यही है, अल्लाह ने हमको रोजी दी, अल्लाह ने माल दिया, अल्लाह ने दौलत दी, अल्लाह ने इज्जत दी, सब दिया, हम नेमत देखते हैं, माशाल्लाह बहुत पैसे वाले हम, बहुत बड़े बंगले वाले हम, बहुत हेल्थी और तंदुरुस्त है हम, लेकिन ये माल किसने दिया, दौलत किसने दी, ये इज्जत किसने दी, ये तंदुरुस्ती किसने दी, वो अल्लाह को नहीं देखते। तो ये इंसान कनूद है, यानी बड़ा नाशुकरा है कि नेमत को तो देखता रहता है लेकिन नेमत देने वाले अल्लाह को नहीं देखता। दूसरी बात समझो, कनूत कहते हैं जो मुसीबत को देखे और नेमत को भूल जावे, जो मुसीबत को याद रखे और नेमत को भूल जावे। आज हम लोगों का सबका ये हाल है, मुसीबत तो बहुत याद रहती है लेकिन अल्लाह की नेमत को भूल जाते हैं। आज तक अल्लाह ने हमको कितना अच्छा रखा, कितना आजाद रखा, कितना मजे में रखा, अब ये देखो ये कोरोना का माहौल आया, लॉकडाउन का माहौल आया तो हम नाशुकरे बन जाते हैं, ये गलत बात है। अल्लाह ने जो नेमतें दी है उसको याद रखो, मुसीबत को भूल जाओ। लेकिन आज इंसान मुसीबत को याद रखता है और नेमत को भूल जाता है, उसी को कहा जाता है एक कनूद कि ये इंसान बड़ा नाशुकरा है, मुसीबत को याद रखता है और अल्लाह की नेमत को भूल जाता है। भाई ये दुनिया है, कोई छोटी मोटी मुसीबत आवे तो उसको भूल जाओ और अल्लाह की नेमत को याद रखो। नंबर 3, इन कनूत किसको कहते हैं? कि कनूत कहते हैं कि जो नेमत को गुनाहों में लगावे। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक ये इंसान अपने रब का नाशुकरा है, कनूद है, यानी अल्लाह ने जो नेमत दी है ने वो नाशुकरी में और गुनाह में लगाता है। अल्लाहु अकबर। आज ये इंसानों के बहुत बड़े मजमे का हाल है कि अल्लाह ने जो नेमत दी उसको गुनाह में लगा दिया। मैं आपको कुछ मिसाल दी उसको।
अल्लाह ने आपको आंख दी, मुझे आंख अता फरमाई। अंधों को देख लो, बेचारे अंधे कितने परेशान रहते हैं। लेकिन आज इस आंख के जरिए से हम गुनाह करते हैं कि फिल्म देखेंगे, पराई औरतों को देखेंगे, दूसरों के सतर को देखेंगे, दूसरे के ऐप को देखेंगे, जो हराम है ये सब चीजें वो देखते हैं। हालांकि आंख के जरिए अपने माँ बाप को मोहब्बत की नज़र से देखते तो हज का सवाब मिलता, अपनी बीवी को मोहब्बत की नज़र से देखते तो अल्लाह की रहमत मिलती, कुरान मजीद को देखते मोहब्बत से तो नूर मिलता, काबा शरीफ को देखते मोहब्बत से तो अल्लाह की रहमत मिलती। तो ये आंख अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, किसी अंधे को जाकर के पूछो आंख कितनी बड़ी नेमत। लेकिन इस आंख वाली नेमत को हम गुनाह में लगाते हैं, नाफरमानी के अंदर लगाते हैं। ये तो मैंने आपको एक मिसाल दी, ये आंख है, कान है, हाथ पैर है, बॉडी है, कितनी नेमत अल्लाह ने अता फरमाई, लेकिन इस नेमत को हम अल्लाह की नाशुक्री में लगाते हैं, गुनाहों में लगाते हैं, नाफरमानी में लगाते हैं। हालांकि ये सब नेमत के जरिए अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला की फरमा बरदारी करनी चाहिए। ये तीनों चीज है, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, इंसान यकीनन अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। लेकिन एक बात याद रखना, तमाम इंसान नाशुक्रे नहीं है, ज्यादातर इंसान नाशुक्रे हैं, ज्यादा इंसान नाशुक्रे हैं। अल्लाह के जो नबी है, अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, वो नाशुक्री नहीं करते, वो तो अल्लाह का शुक्र करके जिंदगी गुजारते हैं। तो यहाँ आयत के अंदर मुराद है जनरल इंसान, ज्यादा इंसान, वो अल्लाह की नाशुक्री करने वाले हैं। बाकी अल्लाह के नबी, अवलिया अल्लाह, कुतुब अब्दाल, नेक साले लोग, वो तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाले हैं, वो नाशुक्रे नहीं है। तो इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, फिर समझो कि इंसान की नाशुक्री भी अलग अलग है, नाशुक्री भी तरह तरह की है। एक नाशुक्री ये है कि अल्लाह ताला पैदा करने वाले, अल्लाह ताला रोजी देने वाले, लेकिन इंसान अल्लाह ताला को छोड़ करके दूसरे की इबादत करे, दूसरे के सामने सिद्दा करे, दूसरे की बंदगी करे, ये शिर्क और कुफ्र करना बहुत बड़ी नाशुक्री है। तो इंसान की नाशुक्री के अंदर पहली चीज क्या है कि अपने पैदा करने वाले, नेमत देने वाले, रोजी देने वाले, अल्लाह को छोड़ करके दूसरे की इबादत करे, ये बहुत बड़ी इंसान की नाशुक्री है। नंबर दो, नेमत की नाशुक्री दूसरी ये है कि अल्लाह की नेमत को गुनाहों के अंदर लगा देवे। अल्लाह ने माल दिया लेकिन माल के जरिए से वो शराब पीवे, माल के जरिए से वो म्यूजिक और गाने की महफिल के अंदर जावे, माल के जरिए से वो डांस की मजलिसों के अंदर चला जावे। तो नेमत को गुनाह के अंदर लगाना, यह है नेमत की दूसरे नंबर की नाशुक्री। तीसरी नाशुक्री है कि नेमत की मोहब्बत इतनी हो और नेमत को इस्तेमाल करने में इतना मशगूल हो जाए कि वो नेमत देने वाले अल्लाह ही को भूल जावे। आज हमको अल्लाह की दी हुई नेमतों से बड़ी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत है। अपना घर, अपना बदन, अपना माल, अपनी दौलत। हदीस में भी है कि इंसान क्या कहता है, माली माली यकूल इब्न आदम माली माली औ कमा काल। इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल, तेरा माल थोड़ा ही अल्लाह ने दिया। इंसान कहता है मेरा बंगला तेरा थोड़ा ही अल्लाह ने दिया। इंसान कहता है मेरी गाड़ी अरे अल्लाह ने दी गाड़ी। तो अल्लाह ताला ने जो नेमत दी, वो नेमत को इस्तेमाल करने में, वापरने में, यूज करने में इतना बिजी हो जाता है कि वो नेमत देने वाले अल्लाह को भूल जाता है। नेमत की मोहब्बत इतनी आ जाती है कि वो नेमत देने वाले अल्लाह ताला को भूल जाता है। ये इंसान की बहुत बड़ी नाशुक्री है।
और देखो शैतान जो है ना इंसान से सबसे पहले नाशुकरी करवाता है। शैतान ने जन्नत से जब आखिरत से कया अरे शैतान को जन्नत और आसमानों से निकाला गया, आसमानों से जब निकाला गया तभी उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है कयामत तक लोगों को नाशुकरी करने का करवाने का। सुम्मा ला तजिदु अक्तरहुम शाकिरीन, अल्लाह दुनिया में जाकर इंसानों को ऐसा गुमराह करूंगा कि इंसान नाशुकरे बन जाएंगे। देखो नाशुकरी की एक मिसाल तुम्हें आपको समझने जैसी बात है। जैसे हमको कहीं सफर में जाना होता है तो हम क्या करते हैं, घर से निकले तो टेंशन में कि ट्रेन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ट्रेन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, करते करते जाते हैं, रिक्शा पकड़ा स्टेशन पहुंचे तो अभी ट्रेन बाकी अभी गई नहीं है, बहुत अच्छा हुआ चलो। अब जब ट्रेन मिल गई तो सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी तो बारी के पास मिलेगी, खिड़की के पास मिलेगी नहीं मिलेगी, एयर कंडीशन में जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, सोने की मिलेगी बैठने की मिलेगी। अल्लाह का शुक्र ही नहीं कि ट्रेन मिल गई पहले तो उस पर तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए, वो नहीं, आगे आगे सब चालू है। फिर ट्रेन में बैठ गया, सीट भी मिल गई, एयर कंडीशन में भी मिल गई, बैठने सोने की भी मिल गई, तो आगे फिक्र है कि ट्रेन में खाना आएगा कि नहीं आएगा, ट्रेन के अंदर आइसक्रीम मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो ये फिक्र। फिर ट्रेन राइट टाइम जो है पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, लेट होगी डिले होगी। अरे इंसान अल्लाह का शुक्र अदा कर, घर से तो निकला फिक्र थी कि ट्रेन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ट्रेन मिल गई कहो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ट्रेन के अंदर बैठा सीट मिल गई कहो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर मौके पर खुदा का शुक्र अदा करो। ये क्या हर वक्त दिमाग हमारा लगा हुआ है कि ये होगा वो होगा वो होगा, नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत बनाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करने का मिजाज बनाओ, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला नेमत को बढ़ाएंगे। ये हर चीज के अंदर है, हर चीज के अंदर। देखो किसी के यहाँ घर के अंदर बच्चे नहीं होते तो कहते हैं दुआ करो ना कि बच्चे हो जावे। अब बच्चा हो गया तो फिर ये नहीं कि अल्लाह का शुक्र अदा करे, बल्कि शुक्र अदा करने के बजाय वो क्या करते हैं कि अब ये बच्चे कब बड़े होंगे, चलो उसका टेंशन। बच्चे बड़े हो गए तो कहा इनकी बहुत अच्छी जगह बहुत मालदार के यहाँ शादी हो जाए, चलो। फिर ये कि ये बिजनेस में वेल सेट हो जाए, धंधे में सेट हो जाए, चलो इनको बंगला मिल जावे, ले। ये क्या अल्लाह ताला से उम्मीद बांधी थी औलाद की, अल्लाह ने औलाद दी, शुक्र अदा करो। बच्चे बड़े हो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करो। शुक्र नहीं, हम लोग अल्लाह की नाशुक्री में ही लगे रहते हैं कि ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं, एक हुआ तो दूसरी चीज होगी कि नहीं, दूसरी होगी तो तीसरी होगी कि नहीं, नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह हम सबको सही माने में शुक्र अदा कर देने वाला, शुक्र अदा करने वाला बनावे। आगे मजलिस में मैंने शुक्राने की दुआ बतलाई थी कि सुबह में पढ़ लो, अल्लाहुम्मा मा असबह बी मिन निअमतिन अव बिअहदिम मिन खल्किक फमिनका वहदका ला शरीका लक फलकल हम्दु वलकल शुक्र, तो पूरे दिन की नेमत का शुक्रिया अदा हो जाएगा। और शाम को दुआ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा मा अमसा बी मिन निअमतिन अव बिअहदिम मिन खल्किक फमिनका वहदका ला शरीका लक फलकल हम्दु वलकल शुक्र, तो पूरी रात की नेमत का शुक्रिया अदा हो जाएगा। इस सूरत की बाकी तफसीर इंशाल्लाह आइंदा कल बयान करेंगे। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।